डॉक्टर अमित कौर्स कोऑर्डिनेटर बीएड काउंसलिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से ये रिटन मैसेज है टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेज। तो इस जो मैसेज है उसमें आप सभी की पेन जो है उसको रिड्यूस किया गया है। जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम रिलैक्स्ड एडजस्टेबल प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। इसको पढ़ते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता ऐसा करता हूँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज इन्फॉर्म टू द ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज दैट अलॉटमेंट ऑफ द एडमिशन ऑफ बीएड कोर्स ऑफ सेकेंड काउंसलिंग हैज बिन कंप्लीटेड। सब तो पहले ये है, ऑल द इंस्टीट्यूट कॉलेज आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल एडमिशन प्रोसेस। सेकेंड एडमिशन के लिए जो स्टेप बताए गए हैं वो स्टेप मेरे ख्याल में डिस्कस यहाँ नहीं करने चाहिए कि क्लिक व्यू एडमिट अलॉटमेंट अलॉटेड कैंडिडेट्स लिंक अवेलेबल अंडर पीआई लॉगिन आफ्टर। ये वो स्टेप्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो करने हैं, आपके लिए नहीं है। तो उनको ये क्लिक करने के बाद जो कैंडिडेट अलॉट किए गए हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज विल क्लिक एडमिटेड कैंडिडेट लिंक शोन द लास्ट कॉलम। चलो वो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने कर लिया, आपका काम नहीं है। आफ्टर चेकिंग ऑल द बॉक्सेस द इंस्टीट्यूट विल क्लिक द एडमिट कैंडिडेट बटन एंड द स्टेटस विल बी अपलोडेड एड एडमिटेड। जिस कैंडिडेट ने कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उनको एडमिट कैंडिडेट शो कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, ये बताया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस एडमिशन स्लिप विल बी हैंडेड ओवर टू द कैंडिडेट आफ्टर द कंप्लीटिंग। ये इंस्टीट्यूट के लिए है। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ बीएड एडमिशन फॉर फर्स्ट यहां सेकंड आना था काउंसलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 9/9/2023 है ना। 9 को पहली सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्टेट आफ्टर एडमिशन ऑफ सेकंड काउंसलिंग विल बी इंटीमेटेड टू द कॉलेजेस इंस्टीट्यूट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उसके बाद में जो खाली सीट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो रिजर्व कैटेगरी की बार बार आपने मैसेज पूछे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट कोटा पोर्टल हैज बिन स्टार्टेड एज पर शेड्यूल, ये भी हो चुका है। इफ सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ सम स्टूडेंट इज एससी एंड फुलफिल ऑल कंडीशन फॉर हिज और हर एलिजिबिलिटी एज एससी कैंडिडेट बट इज अलॉटेड अंडर जनरल कैटेगरी फॉर बीइंग इन द हाई मेरिट ही इज स्टिल एलिजिबल फॉर ऑल बेनिफिट्स ऑफ एससी कैंडिडेट। आपने बार बार क्वेश्चन किया था कि सर मैंने अप्लाई एससी में किया था लेकिन मुझे जनरल कैटेगरी में सीट मिल गई है, वो ये था कि आपकी मेरिट जो थी ऊपर चली गई तो जनरल के आप बराबर आ गए तो आपको जनरल लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेनिफिट जो एससी के नहीं मिलेंगे, फीस का जो बाकी बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है वो आपको बीइंग, अगर आप एलिजिबल हो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये वेरीफाई कर दिया है। अमित कौर सर का यहाँ थैंक्स कर दीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन था, आपका दुख वहां तक पहुंचा। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन आफ्टर सेकंड काउंसलिंग, अब थर्ड काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल एजुकेशन कॉलेज इन द स्टेट ऑफ पंजाब आर रिक्वेस्टेड टू नोट एंड कंप्लाई द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू फिल द वेकेंट सीट आउट ऑफ ऑलरेडी CET combined entrance test qualified candidates under B.Ed admission for the session of 23-4। जो principals B.Ed college के हैं उनको request की गई है कि वो जो एक procedure follow करना है उसमें जिन्होंने entrance test दिया है उनके लिए admission direct open है। वो कैसे होगी, the vacant seat will be displayed on the admission portal by Guru Nanak Dev University on 12th September, it means the third open counseling कब शुरू है, 12 September को। once all, ये क्या होगा ये समझ लीजिए, 12 September को, आप अभी भी फोन करके मेरे से बार बार पूछ रहे थे, 12 September को आपने वेबसाइट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की देखनी है और उस पर जो खाली सीट है किस कॉलेज में खाली सीट है वो डिस्प्ले हो जाएंगी और आप उस कॉलेज को डायरेक्ट अप्रोच करोगे। वंस ऑल कॉलेज अपलोडेड वेकेंट सीट्स बाय 11 सितंबर 2023 एज पर शेड्यूल लिंक टू अपलोड साइन डॉक्यूमेंट विल बी एक्टिवेटेड बाय 11 AM। तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 11 बजे वो हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
और 11 सितंबर को ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विल बी शेयर्ड। क्या क्या करना है, नंबर एक, कॉलेज कैन एडमिट द कैंडिडेट अगेंस्ट द वेकेंट सीट्स आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग आउट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बट कुड नॉट गेट एडमिशन फॉर वन रीजन और अदर। जो कैंडिडेट सीईटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट दिया है और किसी भी वजह से उन्होंने उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उनको वन डिस्टेंस वाला कॉलेज मिल गया, उसको कॉम्बिनेशन सही नहीं मिला, उनकी फीस की प्रॉब्लम थी, कोई भी कारण है, उसके कारण वो एडमिशन फर्स्ट और सेकंड में नहीं ले रखे, उनके लिए थर्ड काउंसलिंग ओपन कर दी गई है। दिस प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड बाय, ये बात हो चुकी है, 12 सितंबर को शुरू है। कॉलेज हैव बीन फॉलोड द ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर टू फिल द सीट्स इन ऑर्डर टू मेरिट। ये समझ लेनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले होंगी कौन सी सीट्स हैं और मेरिट बनेगी, आप उस कॉलेज में अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करना है ये अभी बताया जाएगा। आप अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करोगे, वहां जाके फॉर्म फिल करके वो अपनी कैटेगरी वाइज जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट के, यूनिवर्सिटी के, एनसीटी के, उनको फॉलो करके मेरिट बनाई जाएगी। अब बस यही काम है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं, वो कॉलेज करेगा, तो वहां पर आगे देखिए रिलैक्सेशन बड़ी है, तो मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पर आपका जो है बन जाएगा एडमिशन का जो है सपना पूरा हो जाएगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट एज वेल एज कॉलेजेस, ये बात मैं कहने लगा था, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेकंड काउंसलिंग द कॉलेजेस आर अलाउड टू कन्वर्ट द वेकेंट सीट इनटू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू द अनदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज में जो म्यूजिक की सीट खाली पड़ी है उसमें कोई कैंडिडेट नहीं आया, होम साइंस का कोई कैंडिडेट नहीं आया, कॉमर्स की सीट खाली पड़ी है, मान लीजिए 6-7 सीट्स है खाली, तो वो सीट्स को अगर साइंस के कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो 3 साइंस के हैं, वो 6 में से 3 साइंस के कैंडिडेट को दे दी, और 3 एसएसटी के हैं वो एसएसटी को कन्वर्ट कर दी। इट मीन्स अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, ये गवर्नमेंट कॉलेज में शायद ना हो, कर सकते हैं, अलाउ किया है उन्होंने, तो अगर आप ये देखते हो कि लास्ट कट ऑफ गई थी इतने पर, मेरे उससे नीचे वाले मार्क्स है, फिर भी आप अपने जो मनपसंदा कॉलेज है वहां पर जाइए और आपको सीट मिल जाएगी। अगर सीट खाली है, कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन कोई भी हो, पर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उन्होंने बताए हैं, मेजर और माइनर, उनमें से ही होगा, कोई नया विद इन अवेलेबल कॉम्बिनेशन, नो न्यू कॉम्बिनेशन विल बी ओपन्ड, वो नया कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। फॉर एडमिशन टू ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड एंड क्वालिफाइड इन एंट्रेंस टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट में अपियर हुए हैं, कंडक्टेड बाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। नेक्स्ट शिफ्टिंग इज अलाउड एंड ओनली बाय 1000 विल बी डिक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट वेयर द फीस इज डिपॉजिट। अगर आपने एक कॉलेज में एडमिशन ली है, वहां आपने 10,000 दिए हैं, तो आप दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना चाहते हैं जिसकी डेट 11 से 13 सितंबर की होगी, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जहां फीस डिपॉजिट करवाई है वो 1,000 रुपया काट के बाकी फीस वापस करेंगे। यही बात मैंने पहले बताई थी। इन केस ऑफ स्टूडेंट गेट एडमिशन इन दिस सम अदर इंस्टीट्यूट होगी बात, शिफ्टिंग विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम 11 सितंबर टू 13 सितंबर एंड देयर आफ्टर एडमिशन प्रोसेस अगेंस्ट द वेकेंट सीट विल बी स्टार्टेड बाय कॉलेजेस। तो वो स्टार्टर हो जाएगा प्रोसीजर। शिफ्टिंग विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ स्टूडेंट इज एडमिटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट, है ना, तो मैनेजमेंट कोटा खरीदने वाली है सीट, उसके अंडर नहीं होगा। अगर आपका म्यूचुअल होता है कि जी कई बार मैनेजमेंट को ज़्यादा पैसे देने वाला कैंडिडेट मिल जाता है, फिर वो आपके पैसे वापस भी कर देते हैं और आपको कहीं सस्ती एडमिशन मिल जाती है, आप ऐसे एडजस्टमेंट हो जाती है। द लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट एंड शिफ्टिंग स्टूडेंट मस्ट रीच टू द कोऑर्डिनेटर बाय 18 सितंबर, इट मीन्स 17 या 18 तक ये काउंसलिंग चलेगी। द फॉर्मेट फॉर सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड बाय योर रजिस्टर्ड, तो वो यूनिवर्सिटी शेयर कर देगी, उसके अनुसार ये प्रोसीजर चलेगा। आईडी व्हाट्सएप ग्रुप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टेंटेटिवली 13 सितंबर से ये हो जाएगा। थैंक यू कोऑर्डिनेटर बीएड एडमिशन डॉक्टर अमित कौर, होप ऑल कंसर्न आर टेक केयर ऑफ, वेरी गुड, थैंक यू सर, सो नाइस।
all are requested to formulate a meticulous procedure for admission at the college level, all record properly maintain. ये college को instruction दी गई है कि carefully record maintain करना है, जो merit है category है उसकी अनुसार admission करनी है. We can survive for ये सर के अच्छे अच्छे words हैं. No to the non-attending student. ये यार पढ़ लो यार सच में. We can survive only if we follow quality practice to for improving teacher education. Say no to non-attending students. If all of us say no, then have to take admission somewhere. Start classes, maintain minimum days, maintain quality staff, organize workshop, seminar, effective teacher support, internship for producing effective teacher for the state of Punjab. बड़े अच्छे words हैं. Best wishes, डॉक्टर अमित कौर सर, थैंक यू. तो ये आप तीन रिलैक्सेशन है एससी कैंडिडेट के स्टूडेंट जिनको जनरल में मिली है वो, दूसरा शिफ्टिंग हो सकती है, तीसरा के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट जो है सीट कम या अधिक बढ़ाई जा कटाई जा सकती है कॉलेज, वो तब होगा अगर जो आपकी कितने उस कॉलेज के लिए बच्चे अवेलेबल हैं. सो सभी को सीट मिल जाएगी. दैट इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर. आपके क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, हम साथ साथ में पढ़ना शुरू कर रहे हैं. आपका इंटरेस्ट हो साथ साथ में पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं. आपका इंटरेस्ट हो बुक्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं. जिंदगी की, बीएड की, रिसर्च की, पीएचडी की, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो प्लीज क्लियरली क्वेश्चन पूछिए. क्वेश्चन जब एकेडमिक पूछना है तो कोशिश कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी जरूर बताइए मुझको. थैंक यू.